नाजरीन आदाब। न्यूज एक्सप्रेस देखने वाले तमाम नाजरीन का न्यूज एक्सप्रेस उर्दू खबरों में खैर मकदम करते हैं। पुलिस की जानिब से दी जाने वाली हिदायतों पर अमल आवारी करना सबके लिए जरूरी है। त्योहारात में एहतियाती तदाबीर के साथ हदबंदियों का पास लिहाज रखा जाए, ये बात DSP भैंसा पी नरसिंह राव ने गणेश कमेटियों के इजलास को मुखातिब करने के दौरान किया। गणेश त्योहार के जमन में नरसिम्हा कल्याण मंडपक में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास में सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा बी वेणुगोपाल राव, सी शंकर एडवोकेट, सदर हिंदू उत्सव कमेटी बबरू महाराज के अलावा दिगर जिम्मेदार मौजूद थे। मेटपल्ली के मोगलीपेट से मुतसल मौजूद तालाब में पानी के जबरदस्त इनफ्लो के बाद तालाब से मुतसल रास्ता बह जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस अमल में आज महकुमा आबपाशी के DE मोहम्मद वाजिद, AE अरविंद कुमार मुकामी सरपंच के अलावा दिगर मौजे के जिम्मेदार मौजूद थे। मेटपल्ली से हमारे नुमाइंदे सैयद आबिद की रिपोर्ट। भैंसा शहर में मौजूद गटरनुमा प्रोजेक्ट की सतह में इजाफे के बाद प्रोजेक्ट के दो गेट खोलते हुए बड़े पैमाने पर पानी का इखराज किया गया है। बताया जाता है कि मुसलसिल बारिश की वजह से ब्यान में सतह में इजाफा होता जा रहा है। इस सतह खतरे के निशान के करीब पहुंचने पर पानी के दो गेट खोलते हुए बड़े पैमाने पर इखराज किया गया।
आवाम में खौफ का माहौल देखा जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता दिन खबर तानूर मंडल के मौजे बेलतड़ोड़ा जो महाराष्ट्र सरहद पर वाक़ है, यहाँ खेतों में शेरों के पैरों के निशान पाए गए और गुज़िश्ता दिनों से शेरों की मौजूदगी की इत्तला आम हो रही है और वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। तानूर से हमारे नुमाइंदे शकील अहमद की रिपोर्ट। खूबच मोठे बाहर कौन सा है? इतना उठला, इतना उठला। अरे परे, तेलंगाना हुकूमत इलाके के तेलंगाना की अवाम के लिए हर मुमकिन सहूलतों की फ्राहमी कर रही है और शादी मुबारक को कल्याणी लक्ष्मी के जरिए शादियों को अंजाम देने में राहत फ्राहम करने का अजीम कारनामा किया है। ये बात रुकन असेंबली खानापुर रेखा श्याम नायक ने आज खानापुर में मुस्तकीम में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी के चेक्स मुस्तकीम में तकसीम करने के दौरान कही। खानापुर में आज शादी मुबारक चेक्स तकसीम की तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में खानापुर म्युनिसिपल सदरनशीन राजेंद्र, एमआरओ नारायण, एएमसी डायरेक्टर शोएब हुसैन के अलावा दिगर मौजूद थे। खानापुर से हमारे नुमाइंदे शोएब हुसैन की रिपोर्ट। आदिलाबाद म्युनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने कहा कि शहर मुस्तखर के 49 वार्ड में पार्क बनाने के लिए अब तक 40 मुकामात का मुआयना किया गया है। वो जुमेरात के रोज म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन में जहीर रमजानी और म्युनिसिपल अफसरान के हमरा पार्क की मुनासिब जगहों का मुतालिका वार्डों में मुआयना करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे। म्युनिसिपल चेयरमैन परमिंदर ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों में शहरी तरक्की प्रोग्राम के दौरान शहर को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए जेरे इंतेमाल कामों की निशानदेही की गई थी। शहर को तरक्की की सिमत गामजान करने के हिस्से के तौर पर पार्क के क्याम के लिए मौजूद खाली जगहों पर भी नजर डाली जा रही है। सीएम केसीआर और वजीर बल्दियात केटीआर की हिदायत और मुकामी रुकन असेंबली जोगुर रहमाना की क्यादत में शहर को तरक्की के साथ आगे बढ़ाने इकदाम रोड
कार्यक्रम में भाग मरी मुनपालिटी पैध खाली स्थल गुर्ति खाली स्थला मरी पारक री पारक ओपन जिम्स प्रपोजल तैयार जरूरत इप्ड दादापू नलब पैन स्थल गुर्ति जी गुर्ति स्थला मरी प्ला प्रकार री पारक री पारक अदे पार्टे अदे विधा जनरल पार्कस पिल आड़कने वस्तु अदे विधा यूथ पिल को मरी अदे विधा पेद उपयोगपे विधा ओपन जिम्स ये मैं गांधी पारक गतमी विधा मन ओपन जिम्स प्ला जरूर दादा सिटी मत मत पैन स्थला गुर्ति मरी आ स्थला मरी ये मैं मुख्यमंत्री केसीआर गार पुपाल शाख मंत्री केटीआर गार आदेश अनुसार मैं आ पट प्रगति में जरूर मरी नि स्थला गुरी डेवलपमेंट चेयरने जरूरत मरी परशील में मैं वैस चैरम जयरामजन गार अजय गार वेंकन्ना गार टाउन प्लानिंग आफीसर साई गार मधुकर् सार मोबिन गार मिगता आया वाल कौनल मरी चूंकि त्वर में अंटी मैं कौनसको दिन अप्रूवल मैं प्रती वार्डमेंट जरूर। वैसे में आज मजीद दो अपराध कोरोना से मुतासिर करार दिए गए। बताया जाता है कि कोरोना वायरस के मुतासिर होने के अलामत पाए जाने पर 14 अपराध का रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें दो अपराध को कोरोना से मुतासिर करार दिया। इस तरह वैसे में हर रोज कोरोना से मुतासिरीन में इजाफा होता जा रहा है। इस दौरान में डॉक्टर काजी अवान से अपील की के ज़्यादा है और ये WHO का हिसाब से ये जुलाई और अगस्त में केसेस बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। एक बार लॉकडाउन होने के बाद पब्लिक बहुत ईजी हो गए, उन्हें मास्क नहीं पहन रहे और सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे, जो प्रिकॉशन जो हम बोल रहे हैं उसको नहीं करने से केसेस बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। हमारा ये रिक्वेस्ट क्या है तो पब्लिक को सब जने जो फिजिकल डिस्टेंस जो ग्लव और वो फेस और हैंड्स जो वॉश करने का है कंपल्सरी करना है, क्योंकि बच्चों घर में छोटे बच्चे रहते हैं बड़ी उम्र पेरेंट्स। वैसे में मुसलसल बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हो रहे हैं, जबकि कपास की काश्त शदीद मुतासिर हो रही है। इस अमल में महकुमा ज़िराअत के अहदेदारान ने आज मौज़े सिद्दूर का दौरा करते हुए कपास की काश्त का मुआयना किया और किसानों को पानी की वजह से फसल पर होने वाले असरात को खत्म करने के लिए अद्वियात के नामों का ऐलान किया और अद्वियात का छिड़काव करने किसानों को मशवरा दिया। इस मौके पर अहदेदारान के अलावा किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। వేరుకుళ్ళు తెగుళ్ళు వచ్చి ఎండిపోతున్నాయి వర్షాల వల్ల, దానికి నివారణ చర్యలు భయపడే అవసరం లేదు. రైతుకి ఎప్పుడు కష్టాలే ఉంటాయి, ఇప్పుడు కూడా అదే తరుణంలో కష్టాలు వస్తున్నాయి. ఆ కష్టంలో అధిగమించి మనం ముందుకు పోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు కూడా ఈ వర్షాల వల్ల ఇప్పుడు ఇది కొత్త కాదు, ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేదే. వర్షం ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు గిల్ట్ వస్తుంది, గిల్ట్ వచ్చినప్పుడు కాపర్ అర్సి క్లోరైడ్ లీటర్ నీటికి 2 గ్రాముల చొప్పున వర్షాలు తగ్గగానే పారు చెప్పినప్పుడు ఏదైతే ఏయు వారు వచ్చి మనకు సందేశాలు ఇస్తున్నారో అదే ఫాలో అవుతూ కంటిన్యూగా వర్షాలు అయిపోయిన తర్వాత పొలం నుంచి నీటిని తీసేయాలా. 10 రోజులుగా అధిక వర్షాల వల్ల మరి పత్తి చేనులో మరి వింత అనేది రావడం జరిగింది. దీనివల్ల రైతాంగం మరి తీవ్రంగా నష్టపోయే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మరి తొందరగా మరి నివారణ చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే దీని గురించి రైతులు ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే కాకపోతే ఈ వర్షం తగ్గగానే మరి చేలో ఉన్నటువంటి నీటిని మొదటగా తీసివేయాల. నీటిని తీసివేసిన తర్వాత మరి COC కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ మరి 2 గ్రాములు లీటర్ చొప్పున మరి చెట్టు మొదలలో అంటే స్ప్రేకు. नाज़रीन ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।